हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और एमबीएस वाले स्टूडेंट तो काफ़ी अच्छे से मुझे जानते होंगे। काफ़ी लोगों की काउंसलिंग हमने कराई है और काफ़ी अच्छा काउंसलिंग कराया हमने। दूसरी चीज़ अब आती है हमारे पास आयुष की काउंसलिंग, बीएएमएस की काउंसलिंग, बीएचएमएस की काउंसलिंग एंड ईटीसी, जो भी इसमें आता है। फाइनली इसका भी अब स्केड्यूल हमारे पास आ चुका है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है आयुष की काउंसलिंग भी। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, ये हमेशा थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है, लेकिन एकदम अब विथ एमसीसी वाले काउंसलिंग, मतलब एमबीबीएस वाले काउंसलिंग के साथ ही चल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। इन लोगों का भी सब सॉर्टेड हो जाएगा। ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? एक तो जो बीएमएस बीएचएमएस में जाना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली है ही इसमें। कुछ बच्चे जो एमबीबीएस कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाने की वजह से, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास एक सेफ ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स से यू आर एट 640, ज़रूरी नहीं है कि फिर से तुम उतना फोड़ पाओ। 640 इज अ बिग मार्क्स, हाँ मजाक नहीं होता है, सॉरी। तो इट्स नॉट अ स्मॉल मार्क्स, अच्छा मार्क्स है। फिर से उतना कर पाना, उससे और ऊपर जा पाना इज अ टफ थिंग। तो एक सेफ ऑप्शन अगर लेते हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू कैन गो फॉर प्लान बी एज वेल। अब चलो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस हैं जो कि एंड में हम लोग कवर करेंगे, तो कीप वॉचिंग। देखो क्या, पहला तो तुम्हारा हो गया राउंड वन, राउंड वन शुरू हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन उसका 28 से। ये जो पीडीएफ है ना जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ तुम्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। इफ यू वांट तुम लोग को मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, या फिर विल फिगर समथिंग आउट। कमेंट्स में एक बार जाके देख लेना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 28 से स्टार्ट हो जाएगा और 2 सितंबर तक चलेगा, 28 अगस्त से लेकर 7 सितंबर से, 2 सितंबर तक। उसके बाद हमारे पास आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग 28 तो तुम रजिस्टर करोगे, 29 से ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम चॉइस फिलिंग कर सकते हो 2 तक। फिर अलॉटमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस होगा ये सब लेते लेते तुम्हारा 6 के आसपास, 6 सितंबर के आसपास एडमिशन भी क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी एकदम स्मूथ और फास्ट प्रोसेस चल रहा है, एकदम एट पार विथ तुम्हारा एमसीसी वाला काउंसलिंग। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड राउंड। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तुम्हारा 17 सितंबर से, वहाँ पे तुम्हारा 18 के आसपास में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग तुम्हारा चॉइस फिलिंग 19 सितंबर के आसपास में कर देंगे, और वो भी लगभग 27 सितंबर तक तुम्हारा अलॉटमेंट वगैरह होके एडमिशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें बहुत जरूरी चीज़ें आती हैं कि काउंसलिंग तुम लोग को अगर हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए इन तुम्हारा चॉइस फिलिंग बनाने में, या फिर कोई भी प्रोसेस से लेके कोई भी डिटेल में हेल्प चाहिए हो, कोई भी मतलब काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इस कॉलेज में जाऊँ इस कॉलेज में जाऊँ, क्योंकि सारे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास निकालना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि अरे यार ये तो गाँव में था, मुझे पता नहीं था, तो गलत कॉलेज में लैंड कर गए। तो इट्स अ गुड थिंग इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक आर हेल्प, यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। इट्स अ पेड काउंसलिंग का नंबर, विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड भी डन हो गया। एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहे थे बच्चे कि चॉइस फिलिंग सर हम नहीं कर पाए हैं, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जान लो चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, बहुत लोग दिक्कत आ रही है। अभी एनसी ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है, फिर से उसने चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को इनेबल कर दिया है, तो जाके इस बार चॉइस लॉकिंग कर लेना। नहीं भी करते हो इट्स नॉट बिग डील, ऑटो लॉकिंग होती है उसमें, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर थर्ड राउंड पे आते हैं। थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तुम्हारा 7 अक्टूबर से, 7 अक्टूबर लेते देते लगभग 18 अक्टूबर तक तुम्हारा तीनों राउंड खत्म हो जाएगा एडमिशन के साथ। तो काफी अच्छा स्पीड में चला है, और लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड आती है, इसमें डीम जो भी है कुछ सीटें बच गई हैं उन सबको लास्ट राउंड में दिया जाएगा, जिसको उठाना होगा उठा सकता है, वो भी ऑनलाइन ही चलने वाला है इस बार स्ट्रे वैकेंसी भी। पहले होता था कि ऑफलाइन वगैरह चलता था, लेकिन अब से सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। तो दिस इज इट, यही है। बाकी जितने भी डिटेल्स आएंगी आयुष के काउंसलिंग के बारे में, वील कीप यू अपडेटेड। थैंक यू।